राम जपो जी ऐसे ऐसे कैसे ध्रुव प्रहलाद। कबीर साहब जी ने पूछा किसी ने परमात्मा की इबादत करनी हो तो किस तरह करिए, तोता रटन नहीं। मंत साहब मंत तारा सिंह जी क्या करते सन कि दात्री की तरह ना फेरो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। किस तरह जपना है, सिर्फ दो बच्चों का जिक्र आया है। बच्चे तो अज के जमाने के भी ने बच्चे, वह भी संत रू प्रहलाद 10 साल तो उत्ते उम्र नहीं सी इन्हों की। ध्रुव और प्रहलाद यह होलिका दहन आ रहा है, होली कोई परमात्मा समर्पित होणगे, कोई सड़कों पर डिगे होणगे, पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आवाज़ मारी अपने सिख नूं कि गुरु का सिखा आनंदपुर की धरती ते तैनू मैं उस रंग विच रंग दिया जिहड़ा रंग तेरी जिंदगी च कदे ना उतरे। उन्हें आपां शब्द पढ़िया सी होली की नी संत सेव संत संतां दी मंडल इकट्ठी होकर उस परमात्मा की गुणगान करते सत्संग जनम। ध्रुव ने इस तरह जपया क्योंकि माँ ने पिता की गोद विचों चुक लिया, जे राज विचों हिस्सा लैना सी ते मेरी कुख तो जन्म लैना। बच्चा सी, राजमंत्री बहुत अच्छे होंदे सन पुरातन जमाने, अज भी है। कहन लगा पुत्र ध्रुव तू की लैना है, दे कम च जा, प्रभु की बंदगी कर, इबादत कर। तुरे है दहलीज तक, दरबार के दरवाजे तक गया, पिता ने आवाज़ मारी, कहन लगे बेटा मुड़ा तैनू अद्धा राज दे देंगा। दिमाग ते चोट वजी, कहन लगे ध्रुव बच्चा सी 5-6-7 साल की उम्र, चोट वजी, मन नाल गल्लां करदा है। कहन लगा हले तो परमात्मा की बंदगी शुरू नहीं की, अद्धा राज पहले ही मिल रहा है, तो जे कितने बंदगी कर लवा तो फिर की मिलेगा। हस्ती सिर जो अंकश है अहरण ज्यो सिर दे, मन तन आगै राख कै उभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है, फिर राज सृष्ट का ले। कहिंदे तैनूं सृष्टि का राज दे दांगा अद्धा राज। ध्रुव कहिंदा हुण नहीं चाहीदा, हुण तां बंदगी करांगे। इतनी बंदगी की थी कि अज भी चमकदा आकाश विच। प्रहलाद पिता ते पुत्र दे दरमियान दिन रात दा फर्क है। मुको कहां सतावो बार बरा बार, प्रभ जल थल गिरकिए पहार। कहन लगे पिता एक राम ना छोड़ो गुरेगार, मोको कहाल जाल भावे मार डार। सत्संगे जन्म, कहन लगे मैं परमात्मा की इबादत नहीं छड़ सकता, जो तू करना कर। सत्संग जनो, पिता हार गया थक गया, क्योंकि सदा जड़ी जित हुंदी है सच्चाई दी हुंदी है। गुरु प्यार लाखो सतनाम, जित धर्म दी हुंदी है। कूड़ निकुटे नानका ओड़क सच रही। सतगुरां दा कुटान कोट कोट शुक्र धनवाद। सत्संग जनो, कई बार किसी तो व्याज ते पैसे ले होण, सिर ते ऋण होवे, अगला कहिंदा भी जे कट्ठे ना दे सके तो थोड़े थोड़े करके दे दी, पर दे जरूर। सत्संग जनों, मेरे सिर ते भी मंत तारा सिंह जी का ऋण है, कर्ज है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, पर मैं उन्होंने एक बचन किया, बचन करके सचखंड वासी हो गए, मरे नहीं ना। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा निरभाउ होवे और निर्वैर होवे, दोनों गल्लां महंत साहब दे विच सन। उन्हें कहा सी भी एक हफ्ता मैनूं तूं इत्थे आके कीर्तन सुना के जाना है, सुन रहे ने। फिर सत्संग जनों, 7 दिन कढ़ने बहुत मुश्किल हन क्योंकि परिवार जिवें ने, पर सतगुरां ने कृपा की, बख्शिश की, क्योंकि अपना घर समझदे हाँ। यह हुशियारपुर का स्थान, डेरा मिठा टवाणा और हुशियारपुर दीआं संगतां इस करके स्रोतियां ने, क्योंकि यह मंत साहब की कृपा है। प्यार लाख सतनाम, जन नानक तूड़ मंगै तिस गुर सिख की, कौन जो आप जपै अवरह नाम जपावै। गुरु ग्रंथ साहब का कुटान कोट धनवाद। मंत साहब मंत प्रतपाल सिंह जी,
ਔਰ ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਸਮੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀਰੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਅਨਹਦ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ, ਅਨਤ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿਕਰਮ।